कल पिपरिया में नशीला पदार्थ देकर युवक की निर्मम हत्या करने का एक मामला सामने आया है। अभी तक नशे का कारोबार बड़े नगरों तक सीमित रहा, परंतु देखा जाए तो अब इसकी जगड़ में छोटे नगरों के युवा भी आ गए हैं। ऐसा ही कुछ मामला पिपरिया का है, जिसमें ज्यादा नशे ने एक युवक की जान ले ली। पिपरिया निवासी राजू उर्फ राजेश रघुवंशी उम्र 32 वर्ष निवासी राजेंद्र वार्ड की मृत्यु सूचना पिता रामेश्वर प्रसाद द्वारा 11 एवं 12 जुलाई की रात्रि लगभग 2 बजे पुलिस को दी गई। साथ ही सूचना में बताया गया कि मेरे बेटे द्वारा नशे के इंजेक्शन के कारण अस्पताल में मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए मर्म पंजीयन कर विवेचना में लिया गया और पाया गया कि राजेश रघुवंशी अपने मित्र राजा वंशकार के साथ गाड़ी से बख्तरा गया था। वापस आते समय बरेली में राजेश के दोस्त शेरू और आमिर अली निवासी मंडी मोहल्ला बरेली से हो गई। शेरू एवं आमिर ने राजेश को शराब पिलाई, साथ ही छोड़ने के लिए पिपरिया भी आए। शेरू का संपर्क उषा कहार से था, जो जलदारा कॉलोनी पिपरिया की निवासी है। शेरू और आमिर ने उषा को बताया कि राजेश के पास 27,000 रुपए रखे हैं। तब पैसों के लालच में षड्यंत्र पूर्वक उषा, शेरू और आमिर ने नशीला पदार्थ दिया, जो इंजेक्शन द्वारा जबरदस्ती राजेश को लगा दिया, जिससे राजेश की मृत्यु हो गई। अभी तक पुलिस ने शेरू और उषा कहार को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आमिर फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।